तो पहले तो आप सभी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो आज तारीख है 21 जनवरी, पर जब ये वीडियो आएगा तो 22 जनवरी के दिन तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई होगी, राम भगवान अयोध्या में आ गए होंगे। तो हम भी बहुत खुश हैं और फिर से आप सभी को हर हर महादेव, जय सिया राम, जय श्री राम। तो हमारे एक सब्सक्राइबर फैमिली हैं मेंबर, मीनल बेन, तो उन्होंने पूछा था कि आप फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करते हो। तो पहले जिपलॉक बैग में यूज़ करती थी, पर अभी मैं प्लास्टिक मिनिमम यूज़ हो इसकी वजह से एक क्लॉथ बैग ऑर्डर की है अमेज़ोन से। तो देखो ये क्लॉथ बैग जो कि वॉशेबल होती है, उसमें मैंने ये डंठल निकाल के मिर्ची के इस तरह से स्टोर करूँगी। इसमें पीली हरदर है जो कि इसी तरह की बैग में मैं रखूँगी। इसमें नया अदरक, इसमें गाँव का अदरक, इस तरह से बाइफर्केट करके रखूँगी। कल इवनिंग को मैंने ग्रोसरी की थी तो अभी सुबह उठ के पहले इसमें से ना थोड़ा वो मॉइस्चर निकल जाए इसकी वजह से इसे स्प्रेड करके इसको भी मैं टिश्यू पेपर लगा के पत्ते ये मेथी के एक एक वो निकाल के कर दूंगी स्टोर फ्रिज में। बीट रूट भी थोड़े गीले हैं तो सुखाने के लिए रखे हैं, उसको भी इस तरह की क्लॉथ बैग में कर दूंगी। आप क्लॉथ बैग वॉशेबल सर्च करोगे ना अमेज़ोन पे तो आपको मिल जाएगा। देखो इसमें है कैप्सिकम जो कि मैंने इस तरह की बैग में रखा है फ्रिज में, और इसमें है कुकुम्बर, काकड़ी, तो वो भी इस तरह से रखा है। बैंगन का ओला भी देखो मैं लेके आई हूँ, बैंगन के तीन। इसमें मैं मूली है जिसको मैं अभी स्मेल ना आए ना इसलिए उसमें रखा है, वो भी मैं कर दूंगी एक दो दिन में यूज़। थोड़े से छोटे बास्केट भी रखे हैं मैंने क्यूब, तो पीछे है। इसमें टमाटर है, इसमें अगाव का जो भी कैप्सिकम और शक्करिया, शक्करगंज, स्वीट पोटैटो रखा है। ये लहसुन की चटनी मैंने कल बनाई जो कि बहुत अच्छी लगती है मेरे घर में सबको, तो इसकी भी मैंने आपको बताई थी। और देखो हल्दर इस तरह से काट के, लेमन जूस या लेमन आपको इसमें स्प्रिंकल करके आप कांच की बोतल में स्पेयर ये रख सकते हो। और देखो जो ना बिगड़ने वाली सब्जी हो ना, तो ये तो एक दो दिन में अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो विंटर में, ये सर्दी में, तो ये अगर बाहर रखते हो आप ऐसे बड़े बर्तन में तो भी बिगड़ती नहीं है यहाँ पे सब्जी, कैबेज। और वैसे भी ये आप देखोगे कि ग्रोसरी स्टोर में भी बाहर ही रहती है, फ्रिज में नहीं होती सब्जी। और बाकी देखो अभी मुझे ये निकालना है, ये मैं पूरा ऑर्गेनाइज ही कर रही थी कल की ग्रोसरी। टमाटर मैंने इस तरह से रख दिए हैं, और ये जो मैंने बाउल है ना उसमें मैं ये निकाल के ऑरेंज, क्योंकि फ्रूट्स का क्या है अगर सामने रहेगा तो आपको फल खाने की इच्छा होती है दिन में कि एक दो फ्रूट आपको सीजनल ज़रूर खाने हैं। और बाहर तो सब कुछ जम ही गया है, मैं दही भी फिर भी घर पर ही जमाती हूँ। ये कह रही थी कि अभी तो मैंने इसको बाहर रखा है, पर जैसे ही फ्रिज में जगह होती जाएगी तो ये अगर यूज़ नहीं हुआ एक दो दिन सब्जी में तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसके भी वो फ्लावर निकाल के क्लोथ बैग में रख के फ्रिज में रख दूंगी। तो इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ सब्जी। बीट रूट का मुझे हलवा बनाना है इसलिए मैंने बड़े बीट रूट लिए हैं, एक या दो में से थोड़ा हलवा बनेगा उसको ग्रेट करके, तो इसलिए बड़े, अदरवाइज मैं छोटे छोटे बीट रूट लेती हूँ सब्जी में। अगर रोटी या अगर मैं बनाती हूँ बीट रूट की या सूप में तो उसके लिए छोटे बीट रूट भी सही रहते हैं, पर बड़े बीट रूट अगर हलवा बनाना है तो आधा करके ग्रेट करके आपको हलवा बना सकते हो। और ये जो केले होते हैं, केले को इस तरह से उसके उसमें से चून में से निकाल के अलग करने से वो क्या होता है जल्दी पकते नहीं हैं तो अच्छे रहते हैं, क्योंकि बाहर का आप वेदर देखते हो तो ऐसे वेदर में आप बार बार यहाँ पे सब्जियाँ लेने नहीं जा सकते। स्कूल कॉलेज ऑफिस चालू रहती है पर स्पेशल सब्जी लेने के लिए सिर्फ आपको नहीं जाना पड़ता। कल मैं ये तिल के लड्डू भी लाई इंडियन ग्रोसरी स्टोर में से। अभी काले तिल विंटर में खाना बहुत ही हेल्दी होता है सेहत के लिए, और इसमें खजूर, बीट, ये बादाम, काली किशमिश, अंजीर भिगोया है,
जो कि हम खाएंगे। और नव्या को मैं स्मूदी में दूध की स्मूदी बनाऊंगी अभी ब्रेकफास्ट में। नव्या खेल रही है अपने टॉयज के साथ। तो देखो, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शिकागो और पूरे यूएसए में जो भी मंदिर है, हमारे सनातन हिंदू मंदिर और सभी मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज रविवार है तो कई मंदिर में आज कीर्तन सभाएं होगी, और कल सोमवार के दिन 22 जनवरी के दिन दीप प्रज्वलित और वो सब आरती के साथ सब होगा, राइट नव्या? तो अभी हम चलो सुनते हैं जय सियाराम जय श्री राम सॉन्ग, राइट नव्या? तो देखो, दोपहर में जब भी मैं फ्री होती हूँ तब मैं और नव्या होम स्कूलिंग करते हैं। गुजराती हमारी मातृभाषा है तो नव्या को भी पहचान आ गया है कौन सा अक्षर कौन कुछ क क क ख ग ग छ छ छ छ छत्री पर झ झ झरासन ज ज ज जांजर सांजे वंजर नजर ट ठरियानो ठ ट टप पाली नो ट रचली आंगड़ी नो ट पछी कोनो सु दे पछी कसु पहला आपण ठ ड ड ढ ढ हण हण त त थ थ द द ध ध न न प प फ फ ब ब भ भ म म य य र र ल ल व व श श स स स ह अळ क्ष ज्ञ। नव्या को भी क लिखना भी आ गया है, तो बारी बारी से वो हर एक अक्षर जो गुजराती मूळाक्षर है कक को वो लिखना भी सीखेगी। मामा हाँ, ये तो हम कुछ नहीं पढ़े, ये लेटर कोते हूँ यहाँ कहाँ आ रहा एक्स एक्स यहाँ आ जाएगा। मुझे ऐसे एक बारी बारी से, तो एक बाजू हमने गुजराती का को, दूसरी बाजू इंग्लिश अल्फाबेट। ओ देखो, अभी 4:15 बजे हैं दोपहर के। आज मैंने तुरिया आलू तुरिया बटेटा नु साग और मेथी की भाजी की रोटी पराठा बाजरे के आटे के साथ बनाया था। तो दोपहर का सारा मेरा काम पूरा हो गया है। सब्जी तो आपको सुबह दिखाई किस तरह से मैं फ्रिज में ऑर्गेनाइज करती हूँ और किस तरह से ग्रोसरी को मैं फ्रिज में और इस तरह से करती हूँ। तो ये ड्राई ग्रोसरी भी देख लीजिए जो मॉल ऑफ इंडिया से मैं लेके आई कल, सूजी रवा, ये है टोस्ट और ये है राइस इडली, रवा इडली और राइस इडली का पैकेट, ये अजमो अजवाइन अजमो कैरम सीड्स और ये है सीसम चिक्की तिल की चिक्की, ये है बाजरी का लोट वो 1 किलो जितना 908 ग्राम 1 किलो रामदेव जो रामदेव मसाला आता है ना उसका बाजरी का आटा यूएसए में मिलता है, स्वाद का सभी का ब्रांड के आटे मिलते हैं कल। और मैंने गेहूं का आटा भी लिया जो कि वहाँ रखा है, कोकोन ये पीनट ऑयल सिंग तेल भी लिया, ये है वर्मीसिली। पर ये जो छोटी छोटी ग्रोसरी ये है ना वो मैंने बॉक्स में पैक करवाई थी चेकआउट के टाइम पे, बाकी का उस तरफ बड़ा जो था आटे का पैकेट वो सब उस तरफ रखा है। ये है उत्तपम का पैकेट जो कि कल मैंने एक पैकेट तो इसका बना लिया डिनर में। सांभर क्विकली कभी क्या होता है कि बाहर का अगर आपको नहीं खाना और घर में आपको टाइम कम है रसोई बनाने का, कहीं गए हैं क्योंकि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार ऐसे सांभर उत्तपम का वो आटे में मिक्स करके बना लिया, झटपट खाना बन जाता है। जैसे हमारी खिचड़ी तो है ही राष्ट्रीय फूड, खिचड़ी तो कभी भी बन सकती है कम समय में। और ये नवधान मिक्स है, नवधान बीन्स, फिर ये है सीसम सीड, सीसम सीड काला काले तल,
ये है मैं मांडवी पाक बनाने के लिए ये लाई हूँ पैकेट पीनट मूंगफली का दाल वो छाल वगैरह पीनट। फिर ये है पंचपूरन, इसमें राई मेथी और जीरा का ये मिक्सचर पैकेट आता है, जैसे एक डब्बा मेरे पास है, मैंने मिक्स भी किया एक डब्बा बना के पूरा। पर ये पंचपूरन कई लोग यूज़ करते हैं जैसे साउथ इंडियन खाने में, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ। ये है बाइट्स रियल का खट्टा मीठा चवाण, जैसे चाय के साथ कभी कोई गेस्ट आ जाए फ्रेंड तो ऐसे भी अच्छा लगता है विंटर में कुछ ना कुछ चाय के साथ। फिर यह रागी फ्लोर, रागी का आटा, बाजरी का आटा ले लिया, गेहूं का आटा उस तरफ है, ये रागी का आटा, ये है खजूर जिसका मुझे खजूर पाक भी बनाना है, बीटरूट का हलवा भी बनाना है, बीटरूट भी आपने देखे। फिर ये गुड़, गुड़ का वैसे बड़ा है मेरे पास वो कोल्हापुरी भिल्लो गुड़ का है, पर ये जेगरी के मुझे टुकड़े दिखे कल, कट जेगरी अनरिफाइंड केन शुगर फ्रॉम साउथ इंडिया दीप का। ये राई का कुरिया है, राई मर्च मेरी मम्मी अच्छा बनाते हैं, सासू माँ भी राई का कुरिया अच्छा बनाते हैं, तो उनसे रेसिपी पूछी थी, फिर से पूछ कर मैं राई का कुरिया बनाऊँगी मिर्च। ये खारी चाय के साथ, बस ये हो गया। ये पैकेट बॉक्स में दो पैकेट किए थे, दो बॉक्स किए थे, पर दो बॉक्स में से एक बॉक्स में मैंने सारा रख दिया कल। तो ये ग्रोसरी हॉल, ह्यूज ग्रोसरी हॉल देख सकते कह सकते हो आप, क्योंकि इतना ठंडा है, आप देखो बार बार कोई सब्जी लेने ना जाना पड़े इसलिए। તું ક્રાફ્ટિંગ કઈ કરી શક, હા મમ્મી રીંગણાનો ઓળો બનાવે છે, મૂળાનો સંભારો, પાંદડા વાળો, હા